आइए देखा जाएगा। और क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, एक्सरे करवाया था, उसमें हड्डी टूटी निकली। अच्छा हुआ एक्सरे में टूटी, अगर रियल में टूटी होती तो फालतू में खर्चा हो जाता। पता है कभी गोरी चिट्टी और सुंदर लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से ज्यादा तेज काटती है। ज्यादा कबूतर करोगे? चुपचाप काम करो। कबूतर काट रहे हैं। स्वीटी क्या है? देखो ना यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसे में ना सत्तू भर के लिट्टी बना दो और आलू का चोखा बना दो, मजा आ जाएगा। बनाएंगे, दिख नहीं रहा है क्या काम कर रहे हैं। सही में यार तुमसे शादी करके ना पछता ही रहे हैं। दादी सही कहती थी, शादी का लड्डू जो खाता वो भी पछताता, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। वो लोग पछताता है जो अपना लड्डू छोड़ के दूसरे के काजू कतली पे ध्यान रहता है, जैसे आप हो। और पछताए के सिवा है भी नहीं कुछ। अरे क्या हुआ, तुम इतना इमोशनल होके यहाँ पे खड़ी हो? मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। अरे यार तुम ऐसा करो, अपने घर वाले को यहीं बुला लो। किसको बुला लो? अपनी बहन को बुला लो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। अच्छा मेरी बहन से आपका दिल लगा रहेगा कि मेरा दिल लगा रहेगा? ज्यादा नवाब बनते हो, आपका दिमाग में क्या चलता है ना हम सब समझते हैं। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ एगो मुहावरा पूछे हैं। पूछो। चलो बताओ तो, सांप में मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। शादी के टाइम तुम्हारे पापा क्या बोले थे? क्या बोले थे? फॉर्च्यूनर देंगे, अभी एक साल हो गया है, बोलो कम से कम स्विफ्ट ही दे दे, और वो भी नहीं होता तो कम से कम एक मोटरसाइकिल दे दे। शर्म नहीं आता है दहेज मांगते हुए? अरे शर्म तो ये आता है कि तुम्हारे जैसे गरीब खानदान में मेरा शादी हो गया। गरीब किसको बोले? अरे मेरा खानदान से हूँ की, मेरे परदादा के पास ना 10 हाथी था, दादा के पास 5 घोड़ा था। अरे गैरा बोल रहा। अच्छा तो ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पापा को सिर्फ एक गधी बची, वो भी मेरे पल्ले बांध दिए? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर। स्किन कलर का सूट मंगाया था मैंने तुमसे, और तुम लाए क्या हो ये ब्लैक कलर का सूट, एक काम नहीं होता है तुमसे ढंग से। लेकिन बाबू जब तुमने मुझसे स्किन कलर के सूट के लिए कहा था उस टाइम तुमने मेकअप भी तो नहीं किया हुआ था। दूर दूर जावे मेरे काले। एक बार प्रॉमिस करो हमारे साथ कबो नानू छोड़बू। छोड़े कोई तो ते ही छोड़बे, हम तो जानो सके शादी हो कोनियों के साथ न की छोड़ ले। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फजीता बाजी हो, फजीता बाजी, लाल 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 लाल, आई आवे सुतेमन बाजी तुम। फजीता बाजी मेरे रिश्ते की बात चल रही है, अच्छा लड़का कैसे देखूं? चल बावली, यही तो तुम छलट्टे गलती करती हो, रिश्ते के टाइम कभी भी लड़का मत देखो, लड़के की माँ देखो कैसी है। बाजी लड़के की माँ क्यों देखूं? है जब शादी के बाद चलनी ही लड़की की माँ की है तो फिर लड़का देखकर क्या फायदा? लड़का काला हो, कलूटा हो, गंजा हो, टकला हो, पतला हो, मोटा हो, चोर हो, टाइगर हो, कैसे ही हो, कर लो शादी, पर लड़के की माँ देखो कैसी, उसे पटा, उसे कब्जे में लो, और लड़का ऋतिक रोशन जैसा हो और चले घर में माँ की तो जिंदगी तो झंडे, क्या फायदा है ऋतिक रोशन का? तो जाओ लड़के की माँ पटक, कोई है बुढ़िया 2-4 जानने वाली तेरी? हाँ बाजी हाँ। हाँ जिनके भी लड़के जवान हो ना इन 3-4 बुढ़िया को पटा ले, वो जो सबसे सही पड़ जाए ना उसी के लड़के की शादी की, जा जल्दी जा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।